तो यहाँ पे देखिए, एक ये बोर्ड आया है हमारे पास, और इस बोर्ड में प्रॉब्लम कुछ दिख रही है, और वो है ये चूहा इसके अंदर गया है, और ये बास भी आ रही है, यानी बदबू भी इसमें से आ रही है। तो जब भी चूहा इसके अंदर गया है और बदबू आ रही है, तो सबसे पहले हमें अब इसे हम चालू नहीं कर सकते हैं, ठीक है? चालू इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो पेशाब किया होगा वो एसिड के रूप में अवेलेबल रहेगा, और उनकी पेशाब में जो होता है एसिड की मात्रा होती है, जिसके वजह से ये शॉर्टिंग हो सकता है। जब हम इसे ऑन कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर भी खाया हुआ है, और इसके ऊपर कोई घसा है या वो लोग खा चुके हैं इसका ऊपर का ये वाला प्लास्टिक का, शायद उनको टेस्टी लगा हो। तो सबसे पहले हम इसका जो काम करते हैं वो करेंगे, यानी धुलाई करेंगे। यहाँ पे मैंने ला दिया, ये रहा साबुन और ये रहा पंप। हम पंप को चालू करते हैं। धुलाई का साबुन निर्मा निर्मा ये कहाँ से पानी निकालने लगे? बंद आज नहीं, आज नहीं जाऊंगा। बोलो, कुछ कहना चाहते हो? मेरे ऊपर पानी मत डालना। अब इसे हम कुछ समय के लिए रखेंगे ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाए, फिर इसको वाष्पित भी करेंगे। तो मैं इसे रख देता हूँ, इस तरह से टेढ़ा करके रखा जाता है। तो इस पीसीबी को एयर से, यानी एयर ब्लोवर से मैंने पानी को निकाल दिया। अब इसमें कुछ पानी रह भी जाएगा तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और उसके पीछे का कारण अगर आप पानी के बारे में जानते होंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने अच्छी से धुलाई भी कर दिया है, और यहाँ पे चूहे कुतर खाए हैं तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, और साथ में फिर पावर लगा करके इसे चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पीसीबी में जैसे कि एसी और न्यूट्रल दोनों फेज और न्यूट्रल को देंगे, तो इस इंडक्टर कॉयल से, ठीक है, इस इंडक्टर कॉयल से और बाकी सब से होते हुए वो सप्लाई ऐसे होकर के इस ब्रिज पे आनी चाहिए। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा है जो कि अंदर कसा हुआ है, तो अब उसे दिखाने की तो ज़रूरत है नहीं। और इसमें जैसे ही देंगे ये सप्लाई यहाँ पे बननी ही बननी है। यहाँ पे एक इसी से पास होकर के आएगी, और एक रिले से इसमें कनेक्टिविटी करानी पड़ती है, यानी एक यहाँ पे रिले लगी है ये वाली, ठीक है, ये रिले है, ये सेकेंडरी पॉइंट है, और ये प्राइमरी यानी जो स्विच का मेन काम करता है वो है, और इसमें एसी लगी होती है। तो जैसे ही हम पावर देंगे, यदि इधर कोई शॉर्टिंग नहीं होगा तो एनटीसी, सॉरी पीटीसी लगी होती है, सॉरी इसके बीच में लाइट गई।
तो कुछ नहीं कर सकते, जब लाइट ही चली गई तो हम क्या कर सकते हैं। इस पीटीसी से पहले पास होगा करंट, जो कि यहाँ पे बंद डब्बे में यानी कवर में है, ठीक है। पीटीसी अगर शॉर्टिंग रहा, मान लेते हैं कि कोई कारण से आगे शॉर्ट है, मान लेते हैं आईजीबीटी खराब हो गई है, डायोड शॉर्ट है, तो ये करंट ज़्यादा फ्लो होगा, हीट होकर के अपने अंदर अपना रेजिस्टेंस बढ़ा लेगी और अपने में ही करंट को फ्लो कराती रहेगी। अगर सही रहे सब कुछ तो ये पहले अपने कैपेसिटर को चार्ज करेगी, यानी यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया और ये डायोड है, यहाँ से इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, ये डायरेक्ट जाएगा और इसके बीच में यानी पॉजिटिव से लगा हुआ आपका रिएक्टर, तो ये वाला रिएक्टर जो बड़ा दिख रहा है, ये इसमें ही रिएक्टर होता है, तो ये देखिए ऐसे हो करके यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आएगा और फिर इसे चार्ज कराएगा। और इसी बीच में आईजीबीटी भी लगी होती है, इसका डायग्राम से ही समझ पाएंगे। सब मिला करके कहने का मतलब ये है कि हमें इस जगह पे 320 वोल्ट, 327, 300 वोल्ट इस दोनों कैपेसिटर पे मिलेंगे। इसके बाद ये जाएगी सप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के प्लस पॉइंट ये है, इंटरनली इसके अंदर जाएगा और यहाँ से निकल करके इस आईसी के ड्रेन पे आना चाहिए और ये निगेटिव यहाँ पे होनी चाहिए, ये स्विचिंग करेगा, फिर सेकेंडरी में हमारे वोल्टेज बनने लगेंगे और फिर एमसीयू को सप्लाई मिल जाएगी, तो एमसीयू वर्क करेगा, फिर आगे का प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहले हम पावर ऑन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे चूहे ने कुतर डाला है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें जो है चूहा ने कुतर खाया है, ठीक है। तो ये वायर WD40 है क्या आपके पास? होगा ना इधर, हाँ। इधर खा चुका है और इसका छेड़ा देखते हैं, इस तरफ होना चाहिए, तो इसे भी हम ऐसे थोड़ा हटाएंगे। तो हमें ये छेड़ा इधर से मिल गया, ये वाला, इस छेड़े को भी हम उसी तरफ कर लेंगे या उसको इस तरफ ला लेंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे। तो ये तो आना संभव नहीं है, हमको इसी को वापस उस तरफ करना होगा। तो इस बगल से निकालते हुए इसमें पुश कर देते हैं, तो ये हमें मिल चुका है। दूसरा देखेंगे कहीं और तो कटिंग नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा कुछ कटिंग नहीं है, यही एक कटिंग था। बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे।
अभी एक चक्कर से इसमें ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उतना तो SMPS आगे पीछे बोले तो वोल्टेज के उतार चढ़ाव को देखता ही है, तो इतना हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बस ये देखना होगा कि कहीं और पे कटा ना हो, तो अभी तो हमें नहीं कुछ मिला। तो इन दोनों वायरों को पहले हम साफ़ करेंगे, फिर यहीं पे जोड़ देंगे और फिर ऑन करके देखते हैं। इसे हमने जोड़ दिया और फिर इसे देख लेते हैं। इस कैपेसिटर को भी बदल देते हैं, क्योंकि ये खा चुका है तो ये भी शॉर्ट कर सकता है, तो इसे भी बदलना ज़रूरी है। क्लीन हो गया, तो यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया, दूसरा चेंज कर दिया। अब इसे एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लाइट जलने लगी। अब एक बार सेंसर इसमें लगा के देखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, एरर की पहचान है। ठीक है, और उसके पीछे का कारण है कि यहाँ पे सेंसर लगा ही नहीं है, तो हम सेंसर भी लगा लेते हैं और ये नॉर्मल में चला गया। तो अब इसका जो ये वाला पार्ट है, इसे हम अच्छे से टैप करेंगे, बोले तो इसे हम आइसोलेट करेंगे, चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो करना क्या है, इसके ऊपर कवर कर दीजिए और इसके साथ में टेप मार के इसे पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पैक कर दिया, ठीक है। और पैक करने के लिए ये कौन सा टेप बोलते हैं, मानसून टेप, तो इसके ज़रिए मैंने इसे कवर कर दिया। अब इसे एक बार हम कंप्रेसर लगा करके ऑन भी कराएंगे, तो हम बाकी कनेक्शन कर लेते हैं फिर ऑन करते हैं इसे। सैयरिया से जागे आधी आधी रतिया के, बोले कोई लरिया कूँ की उठे गोरिया। सैयरिया से जागे कूँ की उठे गोरिया, कोयल बोल रही है। कोयल बोल रही है, इसके बोलने में भी एक बात है। तो इसमें सब कनेक्शन है ऑलरेडी, पूरा सिस्टम ही आ गया है इसे। तो फेलियर क्या है, फेलियर लिखा है ई एरर, ई टू ई वन, कुछ नहीं मालूम। तो इसे साइड करते हैं, क्योंकि मेन फेलियर तो हमें मिल ही चुका है, हमने देख ही लिया है, और हम ऐसे ही करते हैं। आया इंडोर को पहले,
आप आउटडोर को चेक कर लो, आउटडोर में पावर की लाइट जल गई तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कनेक्शन है तो देखते हैं। आधिया धीरतिया के बोले कोई लरिया, कुहू की उठे गुड़िया सेजरिया से जागे, कुहू की उठे गुड़िया चीहू की उठे गुड़िया, चीहू की उठे गुड़िया सेजरिया से जागे, खाना खाने के लिए निकल जाएंगे आप लोग। कौन? ये लाया हूँ, रिले खराब है इसका। ओ, रिले ही खराब है, तब तो तुरंत कर देता हूँ। वो मैं भी रात को निकलने वाला हूँ 6 बजे। कहाँ पे निकल रहे हो भाई? अहमदाबाद। ठीक है, चलो। मतलब से तो यहाँ पे मैंने सारे कनेक्शन कर दिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये भी कर दिया, इधर भी कनेक्शन सारे के सारे कर दिए, और एक बार इसे ऑन करते हैं। तो ये चालू हुआ, देखते हैं। चालू भी हो गया, आवाज से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही रहता है अभी तो। चूहा कुतरा है, अब सीजन स्टार्ट हो रही है तो लोगों की जो बंद एसी है वो आ रही है, अब धीरे 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 आएगी। बीच में जो आएगी इसके बाद, यानी 2 महीने के बाद से जो आना शुरू होगा, वो पीसीबी के अंदर फॉल्ट होना, यानी आईजीबीटी का जला होना, आईपीएम का जला होना, ये सब आएगा। अभी फ़िलहाल में तो मेरे समझ से चूहे कुतरे हुए ज़्यादा मिलेंगे। अभी मेरे पास 4 या 5 पीस ऐसा आ चुका जिसमें जो सिर्फ चूहे कुतरे थे। तो चलिए, जैसे भी आते रहेगा, कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल करके वीडियो 1-2 आप लोग को सप्ताह में मिलती रहे। चलिए, बेसिक की वीडियो तो कंटिन्यू रहेगी अपने जगह पे, और 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स चालू होगा जो 12 महीने के लिए होगा, जिसमें आप 0 से PCB रिपेयरिंग तक सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।